नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। तेलंगाना चरण की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को रुद्रराम गांव से फिर से शुरू हो गई है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। वहीं इस यात्रा में नौसेना के पूर्व अध्यक्ष एडमिरल रामदास व उनकी पत्नी ललिता रामदास भी शामिल हुई। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज की यात्रा की कुछ तस्वीरें व वीडियो पोस्ट किए हैं। इसमें राहुल गांधी एक बच्चे को करोड़ की सही टेक्निक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, टेक्निक गलत हो तो देश तबाही के रास्ते पर चला जाता है, ये तो बच्चे का भविष्य का सवाल ठहरा। बता दे, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल अपने भारत यात्रियों और सेवा दल की टीमों को 14 समूह में बांटा है। इनमें से हर एक समूह को एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, पार्टी ने उन करीब 120 यात्रियों को भारत यात्री नाम दिया है, जो 7 सितंबर से कन्याकुमारी से आरंभ हुई यात्रा में लगातार शामिल हैं और श्रीनगर तक पदयात्रा करेंगे। जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि भारत यात्रियों को 14 समूहों में बांटा गया है। इन समूहों का नाम अंबेडकर, भगत सिंह, गांधी, हार्दिकर, मौलाना आजाद, नेहरू, पेरियार, राजगुरु, सरदार पटेल, सुभाष, प्रियदर्शनी और राजीव होगा। ये समूह राहुल गांधी से अलग अलग संवाद करेगा।